डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ मैथमेटिक प्रॉब्लम्स की, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि सर थोड़ा सा अर्थमेटिक एल्गोरिदम जो है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे हमें बताइएगा। तो आज ये न्यू वीडियो है अर्थमेटिक एल्गोरिदम के बारे में। तो अर्थमेटिक एल्गोरिदम के बारे में देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो आज मैं थोड़ा सा डाउट्स क्लियर करने की बात करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक एल्गोरिदम एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है, सभी जानते हैं। वो मेथड होता है बिबोर्ड मास। बिबोर्ड मास मतलब होता है कि किसी एल्गोरिथम एरिथमेटिक एल्गोरिथम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, यानी जो प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है? पहले बिबोर्ड मास यानी बी कुलम्स मतलब बार। अभी मैं बताऊंगा कि बार क्या है। सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्क्वायर, सबसे लार्ज ब्रैकेट में होते हैं। सेकंड वन इज कर्ली ब्रेसेस, जिसे हम मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो मतलब हमारे पास सबसे पहले तरीका क्या होता है, हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? स्मॉल से, पहले स्मॉल फिर मिडिल, उसके बाद लार्ज। यानी सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले स्मॉल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिडिल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लार्ज को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बात करते हैं। ओके, ये एक ऑर्डर है, ओवर ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऑर्डर से क्या पता चलता है? ऑर्डर मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस दे रखा है कि किस टाइप से। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, विनिकुलम देखा, दैट मीन्स बार। उसके बाद हमने देखा ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा, फिर मिडिल, और उसके बाद लार्ज वाला। नेक्स्ट ऑर्डर, और ऑर्डर क्या रहेगा, उसके बाद का जो ऑर्डर रहेगा वो पहले डिविजन रहेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन रहेगा, फिर एडिशन, और देन सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या है, 2 + 5, फिर लार्ज ब्रैकेट, 9 - 3, फिर डिवाइड, फिर 3, फिर हमारे पास मिडिल ब्रैकेट, फिर 5 + 3, स्मॉल ब्रैकेट, 2 + 5 - 2 के ऊपर देखिएगा, 5 - 2 के ऊपर यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, 5 - 2 के ऊपर यहाँ पे बार दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 - 2 के ऊपर यहाँ पे बार आ गया है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब यहाँ हमने पहले ही बताया था, हमने पहले सॉल्यूशन कर लिया। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इसका सबसे पहले बार देखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को छोड़ के पहले, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के बाद ही हमें बार है, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। बार को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास सिंपल 5 - 2 है। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये यहाँ पे हम कुछ नहीं करना है, क्यों नहीं करेंगे हम बात बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्या सॉल्व करेगा। ब्रैकेट का मतलब होता है ब्रैकेट के बाद अगर कोई नंबर दे रखा है तो वो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है। ध्यान दीजिएगा, वो नंबर किसमें होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। ओके, उसके बाद तो मतलब कि हम पहले प्लस नहीं कर सकते, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कहाँ से होगा, जो इसमें से नंबर मिलेंगे हमें, लार्ज ब्रैकेट के बाद से जो नंबर मिलेंगे वो आपका मल्टीप्लिकेशन में आएगा, किसके साथ, 5 के साथ। ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 9 - 3 इसको क्या एज इज रखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन तो हो सकता है, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ब्रैकेट का मतलब मैंने बोला है, ब्रैकेट अगर यहाँ से जो भी नंबर निकले हो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले हम डिवाइड भी कर सकते हैं, हमने पहले बोला था कि मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवाइड करें, तो मैं इन दोनों के बीच में डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 - 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 3 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 9 - 1 को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बाद में देखेंगे। इसके बाद हमने मिडिल ब्रैकेट लगा दिया, मिडिल ब्रैकेट के बाद यहाँ पे 5 + 3 को सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, 3 के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट लगाने का मतलब ये हुआ कि वो सॉल्व अभी नहीं होगा, नहीं मल्टीप्लिकेशन प्लस नहीं होगा। तो सबसे पहले देखा क्या है, इस पैसे से सीखिएगा 5 + 3, फिर ब्रैकेट लगाइएगा। अब देखिए 5 से पहले इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, वेरिएबल लगाने के बाद लगा हुआ है, बाद लगाने के से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। कर लीजिए 2 + 5 से टू दिया 3 बचा, और ये रहा एक आंसर, मतलब एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात अगर हम किस पे पहुंचेंगे,
स्मॉल ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में नाइन माइनस वन, ये वन ऐसे चेक रहेगा माइनस भी करेंगे भी, तो यहाँ पे क्या आएगा फाइव प्लस थ्री नहीं करेंगे, फाइव प्लस थ्री ऐसे भी करेंगे इधर वो पहले करेंगे, तो टू प्लस थ्री सिक्स फाइव हो गया, अब टू प्लस थ्री फाइव जो हुआ वो एक सिंगल डिजिट यानी एक नंबर मिल गया, और जब कोई सिंगल नंबर मिल जाता है तो हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं और क्या लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन साइन, और इसको ब्रैकेट यहाँ पे देखिए खत्म हो गया। उसके बाद इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा टू प्लस फाइव ब्रैकेट बताएंगे, अब हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट की सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले वही बोल मास का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिडिल ब्रैकेट में भी हमें सबसे पहले डिवाइड देखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन तो नहीं है मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को करेंगे सॉल्व, तो एन नाइन माइनस वन यहाँ पे ब्रैकेट को हमें लगा के रखेंगे अभी क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री फाइव का फिफ्टीन हो गया, अभी भी ब्रैकेट को लगा के रखेंगे, इधर भी देखिएगा क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगाना जरूरी है, तो टू प्लस फाइव, टू प्लस फाइव नाइन माइनस वन, अब इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, दोनों को प्लस करेंगे ट्वेंटी आएगा, ट्वेंटी एक सिंपल नंबर है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को भी हटा देंगे, साथ में मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे लार्ज ये खत्म हो गया, तो लार्ज ब्रैकेट बचा हुआ है, ओके यहाँ पे देखिए टू प्लस फाइव, अब इसके बीच में हमें ये पहले सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद प्लस आएगा नाइन माइनस ट्वेंटी, और इसको अभी तक नंबर में इसके ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में रखने के बाद टू प्लस फाइव और मल्टीप्लाई में देखिए ट्वेंटी में से नाइन जाएगा, नाइन में से ट्वेंटी जाता नहीं है, ट्वेंटी में से नाइन जाएगा, ट्वेंटी में से नाइन जाएगा, ट्वेंटी से नाइन गया इलेवन बचा, अब हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का साइन जिस नंबर के सामने जो बड़ा नंबर होगा उस नंबर को हम देखते हैं, जो बड़ा नंबर होगा उस नंबर को हम देखेंगे, उस नंबर को हम देखने के बाद जो उसके सामने जो साइन होगा वही साइन हम यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाद में साइन के बारे में हम बात करेंगे, तो ट्वेंटी में से नाइन गया तो माइनस का इलेवन बचा, ओके अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट को हटा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ये तो समझ में आ रहा है, ओके तो यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा जब भी प्लस दो चीज मल्टीप्लाई में हो दो अलग अलग साइन होते हैं, प्लस और माइनस दो अलग अलग साइन है, तो प्लस माइनस हमेशा मल्टीप्लाई में माइनस साइन देता है, यानी प्लस माइनस साइन क्या देगा माइनस साइन, ओके इसके बाद इलेवन से फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे, इलेवन फाइव सा फिफ्टी फाइव होता है, इलेवन फाइव सा फिफ्टी फाइव हो गया, अब यहाँ पे साइन माइनस का हो, अब हमारे पास सिंपल सा आंसर हो जाए फिफ्टी फाइव माइनस टू दैट मीन्स फिफ्टी थ्री, और हमने अभी बोला कि बड़े नंबर के सामने जो भी साइन आएगा उस साइन को ही लगा देंगे, फिफ्टी फाइव के सामने माइनस साइन है, तो हमारे जो आंसर बना हमें कितना आ गया, हमारा आंसर आया माइनस के फिफ्टी थ्री, ओके फ्रेंड्स तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, इसके लिए हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देंगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस को करिएगा, और वो क्वेश्चंस हैं तो स्टूडेंट्स मैंने आपको मात्र दो क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, बाकी इसके आधार पर लिखिए थोड़ा सा लार्ज क्वेश्चन हो गया था, इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा स्मॉलेस्ट है,
तो इसको तो जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो यहाँ का ये समाप्त होता है। थोड़ा सा लाइक्स मेरा कमेंट करना जरूर करिएगा, और मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, अगर किसी को भी व्हाट्सअप करना है वो व्हाट्सअप कर सकता है। और थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।